more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news. ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में आप देखेंगे कि कैसे अब सबके सामने नायरा का सच आएगा, जहां सबको ये पता चलेगा कि शुभम के मौत के पीछे नायरा का हाथ नहीं है। लेकिन वो कैसे होगा ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम ये याद दिला दे कि कैसे शो की कहानी में अभी तक स्वर्णा नायरा से नाराज रहती है, जहां उसे लगता है कि शुभम की मौत सिर्फ और सिर्फ नायरा की वजह से हुई है और यही वो वजह है जिसके कारण कार्तिक और नायरा पूरे 2 साल से अलग रह रहे हैं। लेकिन अब हम आपको आगे की जानकारी दे दे कि शो के आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि कैसे सबकी गलतफहमियां दूर होंगी, जहां स्वर्णा को सबसे पहले ये पता चलेगा कि नायरा का हाथ नहीं है शुभम के मौत के पीछे, वो भी एक वीडियो के जरिए। जी हां, एक लीडिंग वेबसाइट की माने तो जल्दी एक वीडियो के जरिए आ सकता है स्वर्णा के सामने ये पूरा सच, जहां उसे पता चलेगा कि उसका बेटा ड्रग्स लेता था और यही वो वजह थी जिसके कारण उसकी जान गई थी। लेकिन नायरा को पता था ये सच और वो सबको बताना भी चाहती थी, लेकिन उसके बताने में बहुत देर हो गई और यही वो वजह थी जिसके कारण हो गई शो में शुभम की मौत। जिसके बाद अब आगे आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी मजेदार होने वाला है कि आखिर कैसा होने वाला है स्वर्णा का रिएक्शन जब वो जानेगी पूरा सच, और क्या वो करेगी एक बार फिर से नायरा को माफ, ये सब जानने के लिए बन रहे मेरे साथ। फिलहाल मैं शो में बस इतना ही, और भी अपने फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इस लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news.